नमस्ते छात्रों, आज फिर से मैं डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी, शिक्षक हाई स्कूल धरोला, आपके लिए एक दसवीं कक्षा का नया पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम दुर्वा पुस्तक के त्रयोदश पाठ महाभारते विज्ञानम का वाचन के साथ साथ हिंदी अनुवाद को भी समझेंगे। आइए इस पाठ की भूमिका को समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है महाभारते विज्ञानम, महाभारत में विज्ञान। हम जब भी कोई विज्ञान की बात करते हैं, जिन भी आविष्कारों की बात करते हैं, उन आविष्कारों में हम ये पाते हैं कि किसी न किसी विदेशी वैज्ञानिक का नाम उसके पीछे आता है। लेकिन वास्तव में हमारे देश में उन चीजों का आविष्कार, उन चीजों के संकेत हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से ही विद्यमान है, और उसी को यहाँ इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम कहीं भी विश्व में पीछे नहीं है। हमारी जो दृष्टि है वो कहीं भी कमजोर नहीं है। हम उन सब चीजों को पहले ही बतला चुके हैं जो विश्व के वैज्ञानिक आज बता रहे हैं। इसी की भूमिका को हम देखते हैं। संस्कृत साहित्य परंपरायाम वेदानाम अंतरम अनंतरम लक्ष्य एक पद्यात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते। संस्कृत साहित्य परंपरायाम, संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदानाम धन अनंतरम, वेदों के पश्चात लक्ष्य धन एक पद्यात्मकस्य, एक लक्ष्य एक लाख पद्यात्मकस्य पद्यों के महाभारतस्य, महाभारत का महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण स्थान विद्यते है। संस्कृत साहित्य परंपरा में वेदों के पश्चात एक लाख पद्यों के महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत विद्वत समाजे यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित इति कथनमति प्रसिद्धम्। संस्कृत विद्वत समाजे, संस्कृत के विद्वान विद्वत समाज में, विद्वान लोगों में यत धन इह धन अस्ति, संधि विच्छेद करेंगे तो यत धन इह धन अस्ति, तो यत यने जो, इह यने इसमें, अस्ति यने है, जो इसमें है तत अन्यत्र, वही अन्य स्थानों पर है। यत न इह अस्ति, संधि विच्छेद करेंगे तो यत धन न धन इह धन अस्ति, जो इह यने यहां न अस्ति, नहीं है, न तत् क्वचित इति, वह अन्य स्थानों पर भी कहीं पर भी नहीं है। कथनम धन अति, यह कथन अत्यधिक प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्वत समाज में जो इसमें इसमें है वही अन्यत्र है, और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है, यह कथन प्रसिद्ध है। सत्यमपिदं यत् यन् महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र, यच्च महाभारते नास्ति तदन्यत्रापि नास्ति। सत्यम धन अपि धन इदम्, संधि विच्छेद करेंगे तो सत्यम धन अपि धन इदम्, इदम् यह अपि भी, सत्यम सत्य है, यत कि यह भी सत्य है कि यत जो महाभारते महाभारत में विद्यते है तत एव, तत धन एव, वही अन्यत्र अन्यत्र है। यत च और जो महाभारते नास्ति, महाभारत में नहीं है, तत वह अन्यत्र अपि नास्ति, अन्यत्र भी नहीं है। यह भी सत्य है कि जो महाभारत में है वही अन्यत्र है, और जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है।
महाभारतम आकर ग्रंथ इति सत्यम। महाभारत आकर ग्रंथ है, आकर का मतलब खजाना, कोष, तो महाभारत एक खजाना ग्रंथ है, यह सत्य है। श्रीमता कृष्ण द्वैपायन व्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषां एव विषयाणां तात्विकं चिंतनं लभ्यते। श्रीमान कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा विरचिते रचित महाभारते महाभारत में जीवनस्य जीवन के सर्वेषां एव सभी विषयाणां विषयों का तात्विकम तात्विक चिंतनम चिंतन लभ्यते प्राप्त होता है। श्रीमान कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत में जीवन के संपूर्ण विषयों का तात्विक चिंतन प्राप्त होता है। यथोक्तम यत महाभारते सर्वे अपि विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते तदनु अत्र पाठे ततः केषाञ्चित् वैज्ञानिक विषयाणां संक्षेपेण वर्णनं प्रस्तूयते। यथोक्तम यथाधन उक्तम, जैसा कहा कि महाभारते महाभारत में सर्वे अपि सभी विषयाः विषयों का प्रतिपादिता प्रतिपादन वर्तन्ते है। तदनु उसी का अनुसरण करते हुए अत्र यहाँ पाठे पाठ में तथा वहां से केशांचित कुछ वैज्ञानिक विषयाणाम वैज्ञानिक विषयों का संक्षेपेण संक्षेप में वर्णनम प्रस्तुयते वर्णन प्रस्तुत है। जैसा कहा कि महाभारत में सभी विषयों का प्रतिपादन है, उसी के अनुसार यहाँ पाठ में वहां से कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप से वर्णन प्रस्तुत है। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृते परिचायक आकर ग्रंथ श्री महाभारतम यस्य प्रणयनम भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक आकर ग्रंथ खजाना ग्रंथ श्रीमहाभारत यस्य जिसका प्रणयनम रचना भगवता भगवान वेद व्यास के द्वारा लोकोपकाराय जनकल्याण के लिए कृतमस्ति किया है। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक खजाना ग्रंथ श्री महाभारत जिसका प्रणयन या जिसकी रचना भगवान वेद व्यास के द्वारा लोक कल्याण के लिए की गई है। एतस्य महत्ता विषये स्वयमेव कृष्णद्वैपायनो मुनिः प्रकाशयति। एतस्य इसकी महत्ता विषये महत्व के विषय में स्वयं ही कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास का एक अन्य नाम है, तो महर्षि वेदव्यास मुनि ने प्रकाशयति प्रकाशित किया है। कहा कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे भरत ऋषभे यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। कहा कि भरत ऋषभे हे अर्जुन, धर्म में अर्थ में काम में मोक्ष में यद इह अस्ति जो इसमें है तद अन्यत्र वही अन्यत्र है, यत न इह अस्ति जो इसमें नहीं है न तत्क्वचित वह कहीं भी नहीं है। कहा कि हे अर्जुन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो इसमें है वही अन्यत्र है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते अपित्वत्र पुराणेतिहासादिनां वैज्ञानिक दृष्ट्या
भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, जल सेचनादि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लोह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्रास्त्र निर्माण, संचालन विधि इत्यादय बहव विषया ज्ञान विज्ञानोपेता वर्णिता सन्ति। कहा कि महाभारत न केवल विश्वकोशत्वेन, विश्वकोश के रूप में, विश्व खजाने के रूप में है, विद्यते है, अपितु अत्र संधि, अपितु धन अत्र, अपितु अत्र यहाँ पुराण इतिहास आदि नाम, पुराण धन इतिहास धन आदि नाम, पुराण इतिहास आदि के वैज्ञानिक दृष्टया, वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबांध, जल सेचनादि व्यवस्था, जल की सिंचाई की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लोह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्र अस्त्र निर्माण, शस्त्र और अस्त्र का निर्माण, संचालन विधि और उनके संचालन की विधि इत्यादय आदि बहवः विषयाः, बहुत से विषयों का ज्ञान विज्ञानोपेताः, ज्ञान और विज्ञान सहित वर्णिताः सन्ति, वर्णन है। फिर से देख लीजिए, महाभारत न केवल विश्व का खजाना है, अपितु यहाँ पर पुराण और इतिहास आदि के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबांध, जल सिंचाई व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्य शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्र अस्त्र निर्माण और संचालन विधि आदि बहवः विषया, बहुत से विषयों का ज्ञान और विज्ञान सहित वर्णन है। अब देखते हैं इन विषयों के बारे में क्या कहा है। तो पहले सर्वप्रथम हम देखते हैं भौतिक शास्त्रम, वस्तुनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येषः विचारः भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धः। भौतिक शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है कि वस्तुनाम, वस्तुओं का अन्य सापेक्षम, अन्य के सापेक्ष चलनम, चलना इति एषः विचारः, ऐसा एषः यह विचार भौतिक शास्त्रे, भौतिक शास्त्र में अतीव प्रसिद्ध, अत्यधिक प्रसिद्ध है। वस्तु का, वस्तुओं का अन्य के सापेक्ष चलना, ऐसा यह विचार भौतिक शास्त्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। महतः आश्चर्यस्य विषयोऽयम् अस्ति यत् इमं मतं भगवान् बादरायणः संस्थापयति महाभारते। महतः आश्चर्यस्य, महान आश्चर्यस्य, आश्चर्य का विषयः अयम्, यह विषय है, महान आश्चर्य का यह विषय है कि इमं मतं, इस मत को भगवान बादरायणः, यह भी महर्षि वेदव्यास का एक अन्य नाम है, महर्षि वेदव्यास ने संस्थापयति, संस्थापित किया है महाभारते, महाभारत में। महान आश्चर्य का यह विषय है कि इस मत को भगवान वेदव्यास ने महाभारत में स्थापित किया है। चलम यथा दृष्टिपथं परेति सूक्ष्मं महद्रूपं सूक्ष्मं महद्रूपं इवाभिभाति स्वरूपमालोचयते च रूपं परं तथा बुद्धिपथं परेति। कहा कि यथा, जिस प्रकार से चलम, चलती हुई वस्तु दृष्टिपथं, सामान्य दृष्टि के पथ में परेति आती है, तब क्या होता है कि सूक्ष्मम, छोटी वस्तु भी महत रूपम इव अभिभाति, बड़े रूप में, बड़े रूप के तरह अभिभाति दिखाई देती है। जिस प्रकार से, जैसे ही चलती हुई वस्तु दृष्टि पथ पर आती है, तो सूक्ष्म वस्तु भी बड़े आकार की तरह दिखाई देती है। आगे कहा
स्वरूपम आलोचयते च रूपम परम तथा बुद्धिपथम परेति, कहा कि स्वरूपम च रूपम, स्वरूप और रूप तथा जिस प्रकार से आलोचयते दिखाई दिखाई देते हैं वैसे ही बुद्धि पथम परेति, जैसे बुद्धि के पथ में आते हैं, बुद्धि के मार्ग में आते हैं, अर्थात स्वरूप और रूप वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे बुद्धि के मार्ग में आते हैं अथवा जैसे बुद्धि उसको दिखाती है। अस्य पद्यस्य प्रथमे पादे तेन स एव विचारः प्रकटितः अस्ति। इस पद्यस्य पद्य के प्रथमे प्रथम पादे पाद में तेन उनके द्वारा स एव वह ही विचार प्रकटितः अस्ति प्रकट किया है। इस पद्य के प्रथम चरण में प्रथम पद में उनके द्वारा वह ही विचार प्रकट किया है। अत्रैव अन्योपि द्वो भौतिक शास्त्र संबंधौ विचारौ कथितौ स्तः। अत्रैव यहाँ ही अन्योपि अन्य भी द्वो दो भौतिक शास्त्र संबंधौ भौतिक शास्त्र संबंधित विचारों विचारों को कथितौ स्तः कहा है। यहाँ ही अन्य भी दो भौतिक शास्त्र संबंधी विचारों को कहा है। तौ च और वे हैं काचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहत इव भासते इति स्वच्छे दर्पणे वस्तुनः रूपस्य तादृशमेव प्रतिबिंबं दृश्यते इति च। कहा कि काचकेन लेंस के द्वारा दर्शनेन देखने से सूक्ष्मम अपि छोटी वस्तु भी सूक्ष्मम अपि वस्तु छोटी वस्तु भी बृहद इव बड़ी की तरह भासते दिखाई देती है। इति ऐसा स्वच्छे दर्पणे स्वच्छ दर्पण में वस्तुनः रूपस्य वस्तु का रूप तादृशम एव उसी के समान प्रतिबिंबम दृश्यते प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो लेंस के लेंस से देखने से छोटी वस्तु भी बड़ी की तरह दिखाई देती है और स्वच्छ दर्पण में स्वच्छ दर्पण से वस्तु का रूप उसी प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब अगला बिंदु है खगोल शास्त्रम। खगोल शास्त्र को देखते हैं। काल गणना क्षेत्रे भारतीयं खगोलशास्त्रं विश्वं विश्वस्मिन् प्रसिद्धं अस्ति। खगोलस्य भावार्थः भवति यत् आकाशः अपि पृथ्वी गोलः अस्ति। कालगणना क्षेत्रे समय की गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोलशास्त्र विश्वस्मिन् विश्व में प्रसिद्धम् अस्ति प्रसिद्ध है। कालगणना के क्षेत्र में समय गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोलस्य भावार्थः भवति यत् आकाशः अपि पृथ्वीव गोलः अस्ति। खगोलस्य खगोल का भावार्थ भवति होता है कि आकाश भी पृथ्वी इव पृथ्वी की तरह गोल है। खगोल का भावार्थ होता है कि आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारते तु विपलम सेकेंड इति आंग्लीय नामना प्रसिद्धम इत्यस्यापि विभागः कृतः दृश्यते यथा। महाभारते महाभारत में तू तो विपलम विपल जो आंग्ल में सेकेंड के नाम से प्रसिद्ध है अंग्रेजी में सेकंड के नाम से प्रसिद्ध है इत्यस्यापि इसके भी विभागः कृतः दृश्यते विभाग किए हुए दिखाई देते हैं। अर्थात महाभारत में से वर्णन है कि सेकंड का भी और अधिक छोटा विभाजन यहाँ पर दिखाया गया है यथा जैसे कहा
काष्ठा निमेषा दश पंच चैव त्रिंशतु काष्ठा गणयेत कलाम दाम त्रिंशत कलाश्चापि भवेन मुहूर्तो भागः कलायाः दशमश्च यः स्यात्। कहा कि दश काष्ठा पंच निमेष एव, दश काष्ठा पांच निमेष ही है। निमेष का तात्पर्य है हम पलक झपकते हैं वो एक निमेष कहलाता है, निमेष यानी पलक झपकने का समय। तो दश काष्ठा पांच निमेष ही है। त्रिंशतु काष्ठा, त्रिंशतु तीस काष्ठा, तीस काष्ठा ताम कलाम गणयेत, उसको एक कला गिनते हैं। तीस काष्ठा का एक कला होता है। त्रिंशत कलाश्चापि भवेन मुहूर्तो, त्रिंशत तीस कला च अपि, तीस कला का भी क्या होता है, कहा भवेन मुहूर्तो भागः, एक मुहूर्त भाग होता है। कलायाः दशमश्च यः स्यात्, और कलायाः कला का दशमः स्यात्, दसवां भाग भी होता है। तो यहां पर कहा कि दस काष्ठा पांच निमेष ही है, तीस काष्ठा जो है वह एक कला में गिनी जाती है, और तीस काष्ठा का एक मुहूर्त भाग होता है, और कला का दसवां भाग भी यहां पर दिखाया गया है। एवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयिण्याः खगोलीय घटनायाः वर्णनम अपि महाभारतकारः करोति। एवम एव इसी ही प्रकार सूर्य चंद्र ग्रहण विषयिण्याः, सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में खगोलीय घटनायाः, खगोलीय घटना का वर्णनम वर्णन अपि भी महाभारतकार करोति, महाभारतकार ने किया है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय का, विषय की खगोलीय घटना का वर्णन भी महाभारतकार ने किया है। अब अगला बिंदु है कृषि। कहा कि जलबंध जलसेचनादि व्यवस्था जलमेव जीवनम इत्युक्त्वा सिद्धयति यत् जलम बिना जीवनम कथमपि न संभवम्। कहा कि जलबंध जलबांध जलसेचनादि व्यवस्था, जलसेचन आदि व्यवस्था, जल की सिंचाई की व्यवस्था, जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है इति उक्त्या, इस उक्ति के द्वारा सिद्धयति सिद्ध होता है कि जलम बिना, जल के बिना जीवनम जीवन कथमपि कैसे भी न संभवम, संभव नहीं है। कहा कि जल बांध जल सिंचाई की व्यवस्था, जल ही जीवन है, इस उक्ति से सिद्ध होता है कि जल के बिना जीवन कैसे भी संभव नहीं है। जलम न भविष्यति चेत तदा धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति। कहा कि जलम जल न भविष्यति, नहीं होगा चेत तो तदा तब धान्योत्पत्ति ही, अनाज की उत्पत्ति कथम भविष्यति कैसे होगी। जल नहीं होगा तो तब अनाज की उत्पत्ति कैसे होगी। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जल राशिम संकलय तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया। अतः इसलिए जलबंध पूर्वकम, जल पर बांध बना करके, जलबंध पूर्वकम जल को रोक करके, बांध का निर्माण करके, विशाल जल राशि, विशाल जल राशि का संकलय संकलन करके, तस्य उसके सम्यक रूपेण ठीक प्रकार से सेचनादि व्यवस्था सिंचाई आदि की व्यवस्था करणीया करना चाहिए। अतः बांध के द्वारा, बांध निर्माण के द्वारा विशाल जल राशि का संकलन करके, इकट्ठा करके, उसके सम्यक रूप से ठीक प्रकार से सिंचाई आदि की व्यवस्था करना चाहिए।
एतदर्थं सत्यवती सुतः महाभारते उल्लिखति। एतदर्थं इसके लिए सत्यवती सुतः, ये महर्षि वेदव्यास का एक और अन्य नाम है, सत्यवती के पुत्र, उनकी माता का नाम सत्यवती, इसलिए कहा सत्यवती सुतः, सत्यवती के पुत्र अर्थात महर्षि वेदव्यास ने महाभारते महाभारत में उल्लिखति उल्लेख किया है। क्षेत्रम ही रसवत शुद्धम कर्षकेणोपपादितम ऋते वर्षम न कौन्तेय जातु निवर्तयेत फलम। कहा कि कर्षकेण धन उपपादितम, कर्षकेण किसानों के द्वारा, कर्षकेण किसानों के द्वारा उपपादितम प्रयत्न करने से अर्थात सिंचाई आदि का कार्य करने से क्षेत्र खेत रसवत शुद्धम, रस की तरह शुद्ध हो जाते हैं अर्थात जल युक्त हो जाते हैं। कौन्तेय हे कौन्तेय हे अर्जुन, वर्षम रिते वर्षा के बिना फलम जातुम न निवर्तयेत, फलम जातुम न निवर्तयेत फल का जातु उत्पादन न निवर्तयेत नहीं होता है, वर्षा के बिना फल का उत्पादन नहीं होता है। आगे कहा तत्र वे पौरुषम ब्रूयुः आसेकम यत्नकारितम, वहां वै पौरुषम उनको अपने पुरुष पौरुष के द्वारा, पुरुष के द्वारा, पुरुषत्व के द्वारा ब्रूयुः कहा कि आसेकम सिंचाई के लिए यत्नकारितम प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। सस्यानाम जलसेचनाय नदीषु जलबंधाः स्थापयितुमपि निर्देशति। आगे का सस्यानाम अनाज को जलसेचनाय सिंचाई करने के लिए नदीषु नदियों पर जलबंधाः स्थापयितुम जल बांध स्थापित करने के भी अपि भी निर्देशति निर्देशित किया है। अनाज का, अनाज को जल सेचन के लिए सिंचाई के लिए नदियों पर जल बांध स्थापित करने के भी निर्देश हैं।